एवरीवन सो कैसे है आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइज आज का ब्लॉग जो है आप लोगों को पता है गाइज कि हम आप लोगों को जो बोले हैं बीच बीच में मतलब कि थोड़ा जो है आपको फूड ब्लॉग मतलब कि रेसिपी ब्लॉग जैसा टाइप का आप लोगों को हम देते रहेंगे। तो गाइज अभी जो है आपको रेसिपी ही ब्लॉग है कुछ, तो अभी क्या बनाने जा रही है और कैसे बनेगा सुहानी से चलिए पूछते। तो क्या बना रही हो तुम वैसे अभी? जा रहे लिट्टी बनाने। लिट्टी बिहारी स्टाइल में ना। सो गाइस अभी सुहानी बनाएगी लिट्टी और आप लोगों के साथ करेंगे हम जो है इसका रेसिपी शेयर। सुहानी बोल रही है हम थोड़ा हम अपने घर में जैसे बनाते थे थोड़ा बिहार वाला स्टाइल में लिट्टी बनाएंगे। सो गाइस चलिए आज का ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये लहसुन छील रहे हैं। अच्छा अभी लहसुन छील रही है। सो गाइस अभी सुहानी लहसुन छील रही है, अब इसमें इतना छील चुकी है। और आप प्याज काटो मिर्चा काटो। अच्छा अभी तो गाइज मेरा काम है, सुहानी हमको काम दी है प्याज काटने का और मिर्चा। तो चलिए गाइज हम फटाफट प्याज और मिर्चा कटिंग कर देते हैं। सो गाइज हमारा प्याज भी कटिंग हो चुका है और मिर्चा बच गया काटने का। इधर सुहानी अदरक लहसुन दोनों छील के काट रही है। हमें मेरा जो काम दी थी सुहानी हमने कंप्लीट कर दिया, अब सिर्फ मिर्चा बच गया काटने का। चलिए इसको भी फटाफट कट कर देते हैं। गाइस इधर हम सारा इंग्रेडिएंट्स काट दिए हैं। देखिए यहाँ पे ये प्याज है, ये मिर्चा है और ये नींबू। नींबू गाइस जो है सत्तू में डालेंगे, इससे गाइस टेस्ट थोड़ा खट्टापन लिट्टी में आता है और ये थोड़ा बिहार को जो है मतलब बिहार वाला फीलिंग्स आता है कि नहीं। तो सुहानी इधर सत्तू को जो है मिक्स करने में, इसमें क्या क्या डाल रही हो अभी तक तुम? ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रही है। अच्छा अदरक लहसुन, उसके बाद प्याज डालोगी क्या? तो गाइज अभी अदरक लहसुन उसमें डाल दिए सुहानी, अब इसमें प्याज डालने वाली है। प्याज डाल चुका है, मिर्ची भी और नींबू बाद में डालेंगे। ये मसाला है गाइज, अब देख लो जो है खेला इसमें मसाला का ही गेम है सब कुछ। आपको अपना क्वांटिटी के हिसाब से अब जैसा टेस्ट आपको चाहिए। इसमें थोड़ा सा अजवाइन। तो गाइज ये अजवाइन है, बस हो गया और कुछ नहीं। अब इसमें डलाएगा नमक। तो अजवाइन डाल दिए सुहानी, अब डालने वाली है नमक। थोड़ा सा गाइस इसमें तेल भी डालना है, तेल का टेस्ट आएगा थोड़ा इसमें। वैसे गाइस इसमें डलाता है सरसों का तेल, बट हमारे पास अवेलेबल नहीं है अभी सरसों तेल, तो अभी रिफाइंड डाल रही है सुहानी इसमें। मेन तो गाइस मजा आता है सरसों तेल में ही। इसमें आप अगर आपके घर में है तो आप सरसों तेल ही यूज करो, तो हम आपको यही प्रेफर करेंगे सरसों तेल ही जो है सत्तू में डालो आप। बिहार का सरसों तेल अच्छा रहता है। अब गाइस इसमें नींबू जा रहा है, नींबू जो स्क्वीज करके सुहानी डाल रही है इसमें। तो गाइस अभी सारा मसाला डालकर सुहानी इसको मिक्स कर रही है, अब इसमें थोड़ा सा जो है पानी भी डालेगी। गाइस लिट्टी हम लोग मतलब कि मेरा तो पर्सनली गाइस बहुत फेवरेट है। जब मतलब मेरी मम्मी बनाती थी तो हम वो बहुत ज़्यादा खाते थे, मतलब कि सबसे ज़्यादा घर में हम ही खाते थे जिस दिन लिट्टी मम्मी बनाती थी उस दिन। और ज़्यादा डिमांड भी मेरा रहता था बनाने का कि मम्मी बनाओ लिट्टी खाना है लिट्टी खाना है। ये मतलब टेस्ट गाइस अपने ऊपर होता है इंसान का कि हम क्या टेस्ट डाल रहे हैं इसमें, कैसा बना रहे हैं उसके ऊपर है। इंसान लिट्टी तो कैसे भी बन जाता है, इंसान को जैसे मन करता है वैसे, बट एक टेस्ट के हिसाब से और इंसान को खाने का होना चाहिए बस कि हाँ हमको ये टेस्ट चाहिए। तो गाइस मतलब मम्मी जब बनाती थी ना तो हम बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट रहते थे, जैसे शाम में बनाने वाली है तो सुबह से एक्साइटमेंट कि शाम में लिट्टी बनेगा इस तरीका से। गाइस वो ये जो हम आपको बता रहे बचपन का दिन बता रहे गाइस, जब हम करीब 12 13 14 साल का थे तब का बात है ये हम आपको बता रहे, और तब से मेरा फेवरेट है लिट्टी। तो अभी सुहानी जो है बोले कि चलो हम लिट्टी बना दें, वो खाने का दिल है। तो मेरा तो लोग तेल में छान के बनाते हैं लिट्टी, और हमारा बिहार में आग पे सेक के लिट्टी बनता है एकदम बिहारी स्टाइल में लिट्टी चोखा। तो भाई अभी सुहानी तुम किस तरीके से बनाओगी लिट्टी? हम तो तावा पे सेक के बनाएंगे। तावा पे? अच्छा। तो गाइस चलिए अभी बनता है, उसके बाद आपको बनने के बाद आपको टेस्ट भी करके बताएंगे कि कैसा है लिट्टी बना है सुहानी कैसा बनाई, क्योंकि मतलब कि सुहानी वैसे हर चीज़ ही मतलब आउटस्टैंडिंग बनाती है, बहुत ही मस्त कोई भी चीज़ बनाए, वो नॉर्मल दाल चावल भी हो वो भी खाने में मतलब कि लगता है कि इंसान खाया है पेट भरता है।
मतलब हाथ में है सुहानी का जादू, ये चीज है गाइज, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, ये कुछ भी बनाती है हमको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, सच में, सच में। वेलकम गाइस, हमारा लिट्टी के अंदर जो जाएगा मसाला यानी सत्तू वो रेडी हो चुका है। सुहानी हमको दे रही है टेस्ट करने के लिए, तो थोड़ा टेस्ट करके देखे कैसे। सो गाइस, जो भी कुछ है लिट्टी का ना गाइस, सारा कुछ इस पे ही डिपेंड है, इस सत्तू पे। इस सत्तू को आप जितना हो सके उतना ज़्यादा टेस्टी बनाने की कोशिश कीजिए, लिट्टी आपका उतना टेस्टी बनेगा गाइस। मेरे मम्मी तो गांव में इसमें तो कभी कभी अचार का जो तेल वगैरह होता है वो भी डाल देती थी, अचार का मसाला भी डाल देती थी, और इसका अलग ही टेस्ट मतलब निकल कर आता था। अभी गाइस जैसे सुहानी तो नॉर्मल बना रही है, बट ये भी बहुत ही शानदार बनेगा हमको पता है। चलिए गाइस इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा। एक नंबर जैसे मसाला इस, मतलब अच्छा बना है सत्तू, बस थोड़ा सा और नमक जाएगा इसमें, तो थोड़ा और नमक डाल दो इसमें, क्योंकि तो वैसे आटा में इसको जो है इसको लपेटा जाएगा तो उसका टेस्ट और भी खत्म हो जाएगा। नमक थोड़ा इसका जो है टाइट ही रखना चाहिए गाइस, आप लोग का अपना हिसाब से आप लोग बना सकते हो। अगर आपको कम नमक खाते हो तो कम डालो, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डालो। हाँ, अपने आपका अपना टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हो, बट आप गाइस हम तो ज़्यादा थोड़ा नमक हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम बोले सुहानी को थोड़ा और नमक डाल दो, क्योंकि फिर बन जाने के बाद फिर ऊपर से अगर कम हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। गाइस जो आटा सान रही है सुहानी, इसमें आटा और मैदा मिक्स करके आप लोग आटा भी से भी बना सकते हैं, सीधा मैदा भी यूज कर सकते हैं, बट सुहानी को मैंने बोला दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स करो, आटा और मैदा। तो ये आटा मैदा का जो है मिक्स कॉम्बिनेशन है, तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा जो है ना वो क्रिस्पी मतलब वो खस्ता टाइप का बन जाता है मैदा मिक्स करने से, तो हमको तेल डालने से, तो इसमें थोड़ा तेल भी तुम यूज़ कर लेना, थोड़ा तेल भी डाल देना तो अच्छा रहेगा। सुहानी जो पूरा आटा सान दी है और इधर पे सत्तू का मसाला है, अब सुहानी जो पहला लिट्टी बनाना शुरू कर दी, वहाँ पे गैस चालू है, हमारा तावा भी चढ़ चुका है, अब इसको गर्म होने में कम से कम 2 मिनट लगेगा, तब तक सुहानी या 2-3 जो है आटा का लोई तैयार कर रही है इसमें भर भर के सत्तू, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, है कि तो हम हेल्प ही तो करवाने आए ना। तो गाइज ये हमारा पहला जो है पराठा, इसको पराठा ही बोलेंगे गाइज, क्योंकि बिहार में सुहानी इसी तरीका से बनाती थी अपने घर में, और मेरे भी घर में गाइज ऐसी इसी तरीका से मम्मी बनाती है, और बहुत हमको इसी मतलब ऐसा ही ऐसे तो लिट्टी 2 तरीक़े से बनता है हमको जहाँ तक नॉलेज है कि 2 तरीक़े से। एक छोटा लिट्टी जो उसको ये आग में पकाया जाता है, वो बिहार में मतलब थोड़ा बिहार वाला घी में थोड़ा उसका अलग ही, उसको तो मतलब कि वहाँ पे भी मतलब राजस्थान में भी खाया जाता है ना उसको, राजस्थान में सबसे ज्यादा खाया, उसको क्या वहाँ का लैंग्वेज है, बाटी चोखा कुछ इस तरीके से। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताओ कि राजस्थान में इस चीज को क्या बोलते हैं, जैसे बिहार में लिट्टी चोखा तो राजस्थान में भी ये चीज खाया जाता है गाइस बहुत ही चाव से, और वहाँ के लोग को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, वहाँ पे जो है बाटी चोखा ऐसे मतलब हम सुने हैं ऐसे बोला जाता है वहाँ पे। बट गाइस चलिए अभी सुहानी जो है पहला पूरी पराठा जो भी है वो रेडी हो चुका है, अब इसमें गाइस हम तो गाइस इसमें जो है घी यूज करेंगे, ये इसमें मेरा घी है तो इसके ऊपर घी लगाएंगे गाइस, क्योंकि लिट्टी में घी का ही जो है कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, ऐसे आदमी तेल भी लगाकर सरसों तेल रिफाइन तेल कुछ भी लगाकर गांव में जाते हैं लोग लगाकर खाते, गांव में ना गांव में तो ज्यादातर इंसान लोग को हम देखे घी में ही खाते हुए। हाँ, सबका अपना अपना क्या। तो ये गाइस हमारा घी जो है ऊपर वाला पोर्शन में सुहानी लगा दी है, अब बैक करके पीछे में भी लगाएगी। चलिए गाइस ये हो गया हमारा पहला पराठा रेडी, तो गाइस इसका स्मेल से ही हमको अभी से ही मुंह में पानी आने लगा, इसका जो स्मेल है पराठा का खुशबू है। हाँ वही खुशबू खुशबू। तो गाइस फाइनली हमारा जो लिट्टी बनकर तैयार हो चुका है, और सुहानी देखिए यहाँ पे
लेकर आ गई है। चलिए अब गाइज आप लोगों को इसका टेस्ट करके इसका टेस्ट बताते हैं। गाइज इसमें जो ऊपर से सुहानी को बोले थे हम घी लगा देने, वैसे तेल भी यूज करते हैं बट हम सुहानी को बोले जब घी है घर में तो घी ही लगा दो, तो इसमें घी है। तो चलिए अभी पहले सुहानी टेस्ट करेगी, बनाई है वो तो वही टेस्ट करके आप लोगों को बताएगी। तो चलो बताओ टेस्ट। हाँ, मतलब हाँ। हम बनाए तो हम ही टेस्ट करेंगे। हम भी करेंगे, हम भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तुम भी बताओ। मस्त है। तो गाइस चलिए अब मेरा टर्न है, अब हम बताते हैं खाकर की कैसा है। गाइस सुहानी के हाथ में सच में गाइस जादू है। उसको अगर आप मतलब कि अगर मसाला भी अगर आपके पास किसी कोई मसाला अवेलेबल नहीं है ना, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, वो बिना मसाला का भी बना देगी, पता नहीं चलेगा आपको कि इसमें आप बता नहीं पाओगे कि इसमें किस मसाला का कमी है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, सुहानी बहुत चीज में जो कोई कोई मसाला नहीं डालती और हमको पता नहीं चलता है कि इसमें ये मसाला नहीं, और हम खा लेते हैं गाइस, बाद में सुहानी बोलती है कि हम तो ये मसाला डाले ही थे नहीं, आपको इतना अच्छा लग रहा है फिर भी। गाइस अभी जो है हम सत्तू भर के लिट्टी जो है पराठा है बहुत अच्छा लगा गाइस खाने में। गाइस खा लिए, खाकर मजा आ गया, पेट हमारा हो गया फुल। सो गाइस हमने खाना वाना मस्त खा लिया है, मजा आ गया जो है सुहानी का हाथ का सत्तू भर के पराठा खाने में बहुत ही मजा आ गया। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इस तरीका का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज गाइस कमेंट में आप लोग बोलिए कि आप लोगों को हम इसी तरीका का वीडियो जो है न्यू कुछ अच्छा, आप लोग भी कमेंट में बताइए कि आप लोगों को किस तरीका का किस चीज का रेसिपी का वीडियो चाहिए, हम वही घर पे बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उस चीज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे हमारा ब्लॉग को समय निकाल कर देखते रहिए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों से मिलते हैं सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर।